बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। सीएनबीसी टीवी 18 की टिमसी जयपुरिया की रिपोर्ट है कि सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त आपको बता दें जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। सीएनबीसी टीवी 18 की टिमसी जयपुरिया की रिपोर्ट है कि सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया। टिमसी इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। टिमसी, और क्या जानकारी आ रही है इस विरोध को लेकर? देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक में केरला हाई कोर्ट के निर्देश के अकॉर्डिंग एक प्रपोजल पुटअप किया गया था कि क्या स्टेट्स और सेंटर तैयार हैं पेट्रोल डीजल एटीएफ वगैरह को जीएसटी के दायरे में लाने की, क्योंकि केरला हाई कोर्ट का मानना था कि ऐसा करने से कीमतों पे काफ़ी असर पड़ सकता है, कीमतें काफ़ी सस्ती हो सकती हैं आम आदमी के लिए। लेकिन काउंसिल में यानी 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के सभी के वित्त मंत्री और सेंटर की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सब ने एकजुट होकर ये डिसीजन लिया है कि अभी इस वक्त ऐसी कोई डिस्कशन ना लाई जाए। ये राज्य और सेंटर दोनों के हित में नहीं है, क्योंकि दोनों ही इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज आ रहे हैं, स्पेशली कोविड के टाइम स्पेशल कोविड सेस और स्पेशल एक्साइज ड्यूटीज लगाई हुई हैं पेट्रोल और डीजल पे, जिसकी वजह से राजस्व जो घट रहा था कोविड 19 के चक्कर में उसको थोड़ा रोका गया है। जो राजस्व आ रहा है वो और कार्यों में लग रहा है, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और उन सब में। तो इसलिए सब राज्यों ने अभी डिसाइड किया कि ये कोई वक्त नहीं है इस डिस्कशन को इवन शुरू करने का बोझ बढ़ेगा, क्या असर होगा या हल्का होगा? अगर पेट्रोल ऐसा माना गया है कि अगर पेट्रोल डीजल जो है जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे, तो क्योंकि हर स्टेट अलग वैट लगाती है, सेंटर का अलग एक्साइज चलता है, अलग से सेस लगता है पेट्रोल डीजल पे, जो रोड सेस भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी होता है, और अभी फिलहाल कोविड के चलते भी सब स्टेट्स ने जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट की लिमिट तय कर रखी है। तो इसलिए जब सब चीज़ एक पैरिटी में आ जाएगी, एक पर्टिकुलर रेट पे आ जाएगा, क्योंकि जीएसटी का मतलब ये होता है आप कोई भी सामान खरीदे उस पर जो रेट तय हो गया है वो पूरे भारत में एक ही रेट पे मिलेगा, तो एक तो वो सब पैरिटी आ जाती। लेकिन क्या ये सस्ता होता ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या रेट तय किया जाता ये उस पर डिपेंड करता। पर अभी तो फिलहाल डिस्कशन। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।